सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण सूची पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। अब 2015 के चुनाव के आधार पर जारी होगी आरक्षण की नई लिस्ट। डीपीआरओ ने कहा 17 की जगह अब 27 मार्च को जारी होगी आरक्षण की नई सूची। सराफा व्यवसायी के साथ हुई लूट में दूसरा सराफा व्यवसायी था शामिल। थाना राजघाट क्षेत्र में 2 मार्च को अमृतसर के सराफा व्यवसायी से हुई लूट की घटना का एसएसपी ने किया सनसनीखेज खुलासा। 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। लूट का आधा किलो सोना, लूटे गए जेवरात को बेचकर खरीदा गया 4-पहिया वाहन, 1,20,000 रुपया नकद। घटना में प्रयुक्त स्कूटी, 1 लाइसेंसी व 1 अवैध पिस्टल तथा 6 कारतूस किया बरामद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सोमवार को विकास, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पंचायती राज, राजस्व, IGRS सहित अन्य बिंदुओं की प्रगति की समीक्षा। जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल से जल उपलब्ध कराए जाने के कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई 10 करोड़ से अधिक की लागत के निर्माण परियोजना और सड़क निर्माण की समीक्षा बैठक। कहा धन के अभाव में न रोका जाए कोई भी निर्माण कार्य। प्रशासकीय विभाग को आगामी 3 कार्य दिवस में प्रेषित करें वित्तीय व्यय की स्थिति के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र। निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों का शुरू हुआ 2 दिवसीय हड़ताल। बैंक रोड से निकाला जुलूस, किया प्रदर्शन, निजीकरण वापस लेने की मांग। विकासखंड चरगावा में प्रवेश द्वार पर पूर्व विधायक स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान के स्मृति में नवनिर्मित मुख्य प्रवेश द्वार का पूर्व सांसद, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभावती पासवान सहित जनप्रतिनिधियों ने किया लोकार्पण। स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान के व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला प्रकाश। गोरखपुर में सोमवार को नहीं मिला कोई कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या रही 21,509। अब तक 366 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 33 हुए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। नवनिर्मित आदर्श पुलिस चौकी असुरन चौक का SSP जोगेंद्र कुमार ने किया उद्घाटन, किया पौधारोपण। कहा पुलिस चौकी की स्थापना से क्राइम कंट्रोल करने में होगी आसानी। 16 से 20 मार्च तक चलेगा बुद्ध से कबीर तक की यात्रा। संस्था के संरक्षक डॉक्टर विनोद मल, DGP गुजरात ने दी जानकारी। और जन शिक्षण संस्थान व कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित संस्थान के हस्तनिर्मित वस्तुओं का सदर सांसद ने किया अवलोकन। कहा प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार के साथ आत्मनिर्भर बन सकेंगे युवा।